सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के और एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग कैमरा कंपैरिजन करेंगे LG G7 ThinQ वर्सेस Vivo NEX के बीच में। दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, फ्लैगशिप फोन से, और दोनों ही फोन का कैमरा काफी अच्छा है। और मैंने ऑलरेडी, मुझे काफी लोगों ने बोला था इन दोनों फोन्स के बीच में कैमरा कंपैरिजन करने के लिए। दोनों ही सेम प्राइस में फोन आते हैं और पर्सनली मुझे काफी लोगों ने मैसेज भी किया था, इसलिए मैं ये टिपिकल कंपैरिजन कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में आपको दिखाया था, Vivo NEX का कैमरा ऑलमोस्ट गैलेक्सी S9 प्लस के बराबर का कैमरा था लो लाइट और डे लाइट के मामले में, जबकि LG G7 का कैमरा OnePlus 6 को काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा था। इनफैक्ट OnePlus 6 से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा था ये इस पर्टिकुलर कैमरा। तो इन दोनों फोन्स के बीच में कैमरा कंपैरिजन करना बहुत ही अच्छा रहेगा, डेफिनेटली वर्थ रहेगा। तो अगर आज के वीडियो में आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये G7 प्लस की डे लाइट कंडीशन में खींची हुई फ़ोटो है, काफ़ी अच्छी है, डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे है। और ये Vivo NEX की फ़ोटो है, डे लाइट कंडीशन काफ़ी नेचुरल लुक लगता है। अभी दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। G7 के कलर्स थोड़े बूस्टेड लगते हैं और Vivo NEX के क्लाउड्स के डिटेल्स बेटर है। जूम करने के बाद भी कोई डिटेल लॉस नहीं है, लेकिन जो G7 में पीछे का ब्लू कलर थोड़ा पंची लगता है। अभी इस फोटो में G7 काफ़ी अच्छा दिखता है, क्वाइट नेचुरल कलर। और ये Vivo NEX है, इसको देख के मुझे पिक्सल 2 XL की फ़ोटो की याद आती है, लगभग वैसा ही दिखता है। और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो G7 दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन NEX के कलर ओरिजिनल है, फिर भी मैं G7 प्लस को ही चूज़ करूँगा। अभी ये और एक G7 प्लस की फ़ोटो है और ये Vivo NEX से खींची हुई फ़ोटो है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं इसमें। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो हमको पर्सनली Vivo NEX बेटर लगा डिटेल्स के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू LG G7। अब ये G7 प्लस से खींची हुई फ़ोटो है, काफ़ी बूस्टेड कलर्स है, पंची कलर्स है, और ये Vivo NEX की है, नेचुरल कलर्स है। तो अभी ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको पंची और वाइब्रेटिंग कलर पसंद है या फिर नेचुरल कलर पसंद है। हालांकि दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, मैं पर्सनली LG को प्रीफर करूँगा। ये भी एक LG G7 से खींची हुई फ़ोटो है ब्राइट सनलाइट में, और ये Vivo NEX से खींची हुई ब्राइट सनलाइट में फ़ोटो है, और लगभग सिमिलर फ़ोटोज़ है दोनों ही। और साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर टोन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये LG G7 से खींची हुई फ़ोटो है और ये Vivo NEX की फ़ोटो है। इसमें स्लाइटली वार्म इफेक्ट दिखता है, येलो इफेक्ट दिखता है फ़ोटो में। और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद क्लियरली G7 प्लस डेफिनेटली बेटर है, Vivo NEX में थोड़ा वार्म इफेक्ट आ गया है। अब ये G7 प्लस की काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, बारिश के बाद खींची हुई, और ये Vivo NEX की फ़ोटो है, इसमें भी आप थोड़ा वार्म इफेक्ट देख सकते हो, येलो इफेक्ट। और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद डेफिनेटली G7 प्लस बेटर है, हालांकि Vivo NEX का वार्म इफेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी एक ब्लू कलर का रिप्रोडक्शन चेक करने के लिए खींची हुई फ़ोटो थी LG G7 प्लस, और ये Vivo NEX की है। साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो मुझे डेफिनेटली G7 प्लस बेटर लगता है ओवरऑल कलर एक्यूरेसी में। अभी इस फोटो में भी आप देख सकते हो G7 प्लस ने काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींची है, लेकिन Vivo NEX ने और भी बेहतरीन फ़ोटो खींची है। HDR का मोड काफ़ी अच्छा है, और साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो मुझे डेफिनेटली Vivo NEX पसंद है इस पर्टिकुलर फ़ोटो में। अभी इस फोटो में आप ध्यान से देख लेना, ये G7 प्लस की फ़ोटो है और ये Vivo NEX की फ़ोटो है, और पीछे आप दीवार के डिटेल्स को भी देख सकते हो। मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो ओरिजिनल जो दीवार का कलर है Vivo NEX बराबर से बता रहा है, और मैं जूम करता हूँ तो भी आप देख सकते हो जो डिफिनेट कलर्स है वो Vivo NEX में आ रहा है, बल्कि दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी है दिखने के लिए। ये G7 से खींची हुई फ़ोटो है ह्यूमन सब्जेक्ट की, मेरे बेटे की आँख थोड़ी बंद हो गई, और ये Vivo NEX से खींची हुई फ़ोटो है, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही लगती है, काफ़ी अच्छे डिटेल्स है सभी फ़ोटोज़ में। साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो भी मुझे दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगी।
हम ये पोर्ट्रेट शॉट खींचा है G7 प्लस से और डेफिनेटली बेटर है और हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं पोर्ट्रेट का ब्लर और ये वीवो नेक्स ने भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट शॉट दिया है और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो भी डेफिनेटली दोनों ही फोटो काफ़ी अच्छी है और बैकग्राउंड ब्लर हम लोग मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी ये सेल्फी फ़ोटो है G7 प्लस की, काफ़ी अच्छी है कलर टोन एंड बैकग्राउंड, और ये वीवो नेक्स की फ़ोटो है। साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, थोड़ा बहुत टी शर्ट्स के कलर्स में डिफरेंट है लेकिन सेल्फी काफ़ी अच्छी आई हुई है और ये पोर्ट्रेट सेल्फी है और पोर्ट्रेट सेल्फी में मुझे G7 प्लस बेटर लगा ओवरऑल कलर टोन और एक्यूरेसी में। अभी ये लो लाइट फोटो है, आप देख सकते हो कलर्स काफ़ी पंची दिखते हैं G7 में, और ये वीवो नेक्स की लो लाइट फ़ोटो है, इसमें आप कलर्स रेड कलर थोड़ा नेचुरल दिखेगा आपको। साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली G7 प्लस काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लेवल दे देता है एज़ कम्पेयर टू वीवो नेक्स। और एक G7 प्लस की फ़ोटो है और ये वीवो नेक्स से खींची हुई फ़ोटो है, थोड़ी सी डल जैसी लगती है और साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो LG G7 के कलर्स बूस्टेड है इसलिए काफ़ी अच्छी दिखती है। अभी LG G7 की फ़ोटो है और पीछे के दीवार के आप डिटेल्स देख सकते हो जो डिटेल्स वीवो नेक्स में मिसिंग है, लेकिन वीवो नेक्स में ओवरऑल एक्सपोजर लेवल अच्छा है। साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो डिटेल्स LG G7 में है लेकिन एक्सपोजर लेवल वीवो नेक्स में बेटर एडजस्ट किया है। अभी इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो दोनों ही फोटो काफ़ी अच्छी है, वीवो नेक्स नेचुरल कलर देता है तो LG G7 बूस्टेड कलर देता है। अभी LG G7 की नॉर्मल मोड में खींची हुई फ़ोटो है और जब भी AI मोड टर्न ऑन करते हो तो थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर हो जाता है, पंची कलर हो जाता है। और ये वीवो नेक्स की फ़ोटो है, काफ़ी नेचुरल फ़ोटो है, नेचुरल कलर्स है। अभी ये ओवरऑल इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है, किसी किसी को बूस्टेड कलर्स अच्छे लगते हैं G7 के तो किसी किसी को नेचुरल कलर वीवो नेक्स का पसंद आएगा। इसमें भी सिमिलर है, LG G7 में कलर्स बूस्टेड है, एक्सपोजर लेवल ज़्यादा है और वीवो नेक्स में डेफिनेटली नेचुरल कलर्स है। और ओवरऑल इन दोनों फोटो में मुझे वीवो नेक्स की फ़ोटो काफ़ी नेचुरल और अच्छी लगी। अभी इन फोटो में भी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है बूस्टेड कलर या फिर नेचुरल कलर्स, तो डेफिनेटली वीवो नेक्स भी अच्छा नेचुरल कलर रिप्रोड्यूस करता है और LG G7 भी काफ़ी अच्छा कलर्स और फोटोज रिप्रोड्यूस करता है लो लाइट इफेक्ट में। अब ये फ्रंट कैमरा का वीडियो फुटेज है 1080p 30fps और मुझे LG G7 बेटर लगा स्किन टोन में और टी शर्ट्स के कलर्स में, और अगर बैकग्राउंड की डिटेल्स भी आप देखोगे तो LG G7 में अच्छी दिखती है एज़ कम्पेयर टू वीवो नेक्स, बट वीवो नेक्स इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अभी ये बैक कैमरे से खींची हुई फ़ोटो है 1080p 30fps और इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ वीवो नेक्स में OIS है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, काफ़ी शेकी फुटेज आता है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन फुटेज काफ़ी शेकी है। अगर वीवो ये OIS का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कोई भी सवाल है सुझाव रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, हम हर एक किस कमेंट का जवाब हमेशा देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।